लेकिन अगर आपको आने वाले एक या दो महीने में शायद कैश की ज़रूरत पड़ सकती है तो हो सकता है आपको आपके इन्वेस्टमेंट हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीष आहूजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो आपके साथ बात करता है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं नए वीडियोस बनाता हूँ 4th, 14th और 24th तारीख को हर महीने की। और इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं ये आशा करता हूँ कि आप और आपके सारे लव्ड वंस इस कोरोना के टाइम्स में सब ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि जब तक ये कोरोना का पूरा एपिसोड ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक प्लीज़ अपने सेल्फ आइसोलेशन में ही रहिए। और मैं सारे एसेंशियल सर्विसेज के प्रोफेशनल्स को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा, सारे डॉक्टर्स, पुलिसमैन, जो भी आज की तारीख में अपना काम कर रहे हैं ताकि हमारी ज़िंदगी जितनी हो सके उतनी नॉर्मली कंटिन्यू रह सके। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। आपके जितने भी सवाल हैं, क्या मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दूँ, क्या मुझे पैसे इन्वेस्ट और करने चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं एटलीस्ट सारे कॉमन क्वेश्चंस को इसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछना ना भूलिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर इंसान के मन में आ रहा है कि क्योंकि सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बहुत गिर चुकी है तो क्या आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट्स बेच देने चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक छोटा सा पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आने वाले 1, 2, 3 महीने के लिए कैश की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपना हाउसहोल्ड फंड्स मैनेज करके बैठे हैं, अगर आपको पता है हाउसहोल्ड फंड्स क्या है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसे पॉज कर सकते हैं और इस वीडियो को चेक कीजिए जहाँ पे मैंने आपके साथ हाउसहोल्ड फंड्स के बारे में बात की है। अगर आपके पास अपने हाउसहोल्ड फंड्स मैनेज कर चुके हो आप आने वाले 3 या 6 महीनों के लिए, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आने वाले 1 या 2 महीने में शायद कैश की ज़रूरत पड़ सकती है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, अपने बैंकर, जिसके साथ भी आप बात कर इन्वेस्टमेंट करते हो, उनके साथ एक बार कंसल्ट करके हो सकता है आपको आपके इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करने पड़े। लिक्विडेट करना मतलब बेच देना। ये आपका चॉइस होगा, ये आपका डिसीजन होगा और ये आपके फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक ऐसी सिचुएशन से आता हूँ कि मुझे थोड़े महीनों से इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं मिला है, इसलिए क्योंकि आज की तारीख में जब सारे इन्वेस्टमेंट्स इतने डाउन हैं, मैं थोड़े पैसे उल्टा आने वाले हफ्तों में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ इसका मैं पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा। मेरी वाइफ अदिति ने 2 साल पहले इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। मैं उसका पोर्टफोलियो का साइज़ या पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समझ लीजिए 2 साल पहले उन्होंने जब इन्वेस्ट करना चालू किया था उस पूरे पोर्टफोलियो पे एक 45-50% तक का जंप हमने देखा है और आज की तारीख में वो पूरा पोर्टफोलियो समझ लीजिए रेड में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में अदिति का पूरा पोर्टफोलियो भले लॉस में चल रहा है, लेकिन अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके पोर्टफोलियो में जो भी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं आज मुझे वो ही सेम स्क्रिप्ट्स 2 साल पहले के मुकाबले और सस्ती मिल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों को पता है हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था वो सारी अच्छी कंपनियां हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से टाइम ख़राब चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकाल लिए हैं, तो उन सारे सिचुएशंस को सोचते हुए वो सारी कंपनियां ख़राब नहीं हैं, उन कंपनीज़ में आज इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन होगा। इसलिए मैं आने वाले हफ्तों में कुछ कंपनियों में उल्टा अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर अपने इक्विटी एडवाइज़र के साथ या अपना थोड़ा पोर्टफोलियो चेक कीजिए, आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि बहुत सारी अच्छी कंपनियां आज की तारीख में कोरोना के वजह से बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रही हैं। और अगर आपको पता ही नहीं कि इक्विटीज़ क्या होती है तो आप ये वाली लिंक चेक कर सकते हैं जहां पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इक्विटीज़ क्या होते हैं, हाउ कैन यू स्टार्ट गेटिंग इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़ एक्सेट्रा। एक और चीज़ जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स आज तक आपने कभी की ही नहीं है और आपको पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है, अभी बहुत अच्छा पीरियड है इन्वेस्ट करने के लिए। ये वीडियो चेक कीजिए जहाँ पे मैं आपके साथ बात करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अगर आप
इन्वेस्टमेंट्स में अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। तो क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ शेयर की है, तो आप इसे चेक करना ना भूलिए। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मैं कमेंट्स में उनका वेट करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए। प्लीज़ कोरोना से बचिए। आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।